आज तिनसुकिया आवर्त भवन में तिनसुकिया के विधायक एवं राज्य के श्रम तथा जनकल्याण मंत्री संजय किसान द्वारा पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कृषि कानून 2020 के बारे में कहा गया कि किसानों के हित में किए गए इस क्रांतिकारी बदलाव पर विरोधियों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कृषि कानून 2020 से आने के बाद लंबे समय से किसानों के साथ बलोचियों द्वारा जो आर्थिक शोषण हो रहा था वह बंद हो जाएगा। अपनी फसल का लाभ अब किसान खुद उठा पाएंगे। श्री किसान के अनुसार मंडी में बिलौचियों द्वारा अब तक किसानों का आर्थिक शोषण किया जाता था, पर कृषि कानून 2020 के आने के बाद यह नहीं होगा। अब कंपनियां किसान से फसल खरीदने हेतु सीधे किसान से संपर्क करेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान व्हाट्सएप या ऑनलाइन के जरिए अपनी फसल की मार्केटिंग कर पाएंगे। अब तक किसान को मिलने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा दलालों के हाथ में जाता था, पर अब किसान को पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। पत्रकार सम्मेलन में मंत्री श्री किसान के साथ तिनसुकिया जिला भाजपा के उपाध्यक्ष कुशकांत बोरा, जिला सचिव क्रमशः पुलक चेतिया, दिगंत पादुन, शांतनु दत्त उपस्थित थे। আমার বিরোধী দলসমূহে ইয়াক লৈ পেলাই বিভিন্ন বিতর্ক আনিছে যদিও আসলতে ইয়ার পৰা ইতিমধ্যে কৃষকসকলে তেওঁলোকে যথেষ্ট লাভান্বিত হব আৰু কৃষকসকলে ইয়াক আদৰি লৈছে। তো আমি আপোনালোকক এই কথাখিনি অবগত এইকাৰণে আজি কৰিছোঁ যাতে কৃষকসকলৰ মাজলৈ এই বাৰ্তাখিনি যায়, ঘৰে ঘৰে যায় আৰু তেখেতসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ যিহেতু আমাৰ চৰকাৰে আন্তৰিকতাৰে দিব বিচাৰিছে, অসমত থকা সকলো কৃষকসকলকে এই অধিকাৰবিলাক দিব বিচৰা হৈছে। তো গতিকে আমি আশা করছো যে আপনার যোগেদি প্রত্যেকজন কৃষকে এই কথাখিনি উপলব্ধ করক, এই কথাখিনি বুঝি পাক আর আগন্তুক দিনত আর যাতে দুগুণা খেতি করে পেলায় কৃষক খেতির জড়িয়ে যাতে আগুয়াই লই যাওয়ার কারণে কাম করক। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद कृषि बिल 2020 दोनों सदनों से पास तो करवा लिया गया, पर संसद से लेकर सड़क तक कृषि कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इसी हंगामे के बीच 8 सांसदों को राज्यसभा से 5 दिन के लिए निलंबित भी कर दिया गया था। असम में भी कांग्रेस कृषक मुक्ति संग्राम समिति द्वारा कृषि बिल 2020 का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब असम की भाजपा सरकार इस मुद्दे को लेकर बचाव का रास्ता अपनाते हुए प्रत्येक जिला सदरों में मंत्री एवं विधायकों द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करवा कृषि बिल 2020 के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश में लग गई है। डेस्क रिपोर्ट, पीक न्यूज, तिनसुकिया।